फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी टेस्टी क्रिस्पी मशरूम पकौड़ा। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। मशरूम पकौड़ा बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मशरूम को छोटा छोटा पीसेस में कट के रखा, थोड़ा सा कैबेज भी यूज़ करूँगी, ऐसे ही लंबा कट के रखा। दो ग्रीन चिली बारीक चॉप करके रखा। फ्राइंग के लिए ऑयल यूज़ करूँगी, आधा कप बेसन, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 टीस्पून मोमरेल बा काला जीरा, 1/4 टीस्पून रेड चिली, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। बेसन में सारे ड्राई मसाला पहले ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और जो मशरूम और पत्ता गोभी ग्रीन चिली लिया, सारे वेजिटेबल ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ और पकौड़ा का बैटर तैयार कर लेती हूँ। मशरूम पकौड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया, अभी जो पकौड़ा का बैटर तैयार किया फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। मशरूम पकौड़ा और एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फ्लिप करूँगी। दोनों साइड कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूँगी। पलट पलट के बहुत ही अच्छी तरह से मशरूम पकौड़ा फ्राई हो गया। अब प्लेट में निकल के रखती हूँ। सेम प्रोसेस में सारे मशरूम पकौड़ा फ्राई कर लेती हूँ। सारे मशरूम पकौड़ा फ्राई हो गया। टेस्टी क्रिस्पी मशरूम पकौड़ा बनके रेडी हो गया। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।